धर्म सरल है और विश्वास बहुत कठिन। ये धर्म से ऐसा होता है ये तो मानने में बहुत कठिनाई नहीं, पर विश्वास से सब कुछ हो जाता है ये तो अत्यधिक कठिन है। लड़का है बड़ा सा धर्म कुछ नहीं विश्वास नहीं होता, पर धर्म के प्रति व्यक्ति की आस्था होने से विश्वास बड़ा कठिन। और श्री सीता जी ने दो प्रसंगों में ऐसा दिखाया कि जैसे लगता है कि विश्वास जगा हुआ है। और उस संकेत है जिसमें भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं, श्री सीता जी की क्या दशा है, मन ही मन मनाव अगुलानी ओ प्रसन्न महेश भगवानी गण नायक वर नायक देवा आन लगे तीनी तो सेवा बार बार गणती सुनि गोरी परम धर्म चाप गुणता अति थोड़ी। इन शब्दों में क्या लग रहा है, जैसे ये विश्वास ही नहीं कि दर्श हो सकता है। तो ये तो कहीं विश्वास ही नहीं दिखाई देता कि भगवान राम के द्वारा दर्श हो जाए। और उसका अभिप्राय ये है कि ये वो व्याकुलता से बार बार सभी देवी देवताओं को मनाती है, तो यही तो लगता है दूसरा विश्वास कब। पर ये विश्वास भी कभी भी दो प्रकार की होती है। मैं ऐसा करता हूँ एकाग्रता से सुनेंगे। कल देवी जी ने बहुत बढ़िया बात मुझसे कही, कहने लगी इस बार की कथा में स्त्रियां कम सो रही। क्या हुआ, मैंने कहा गुरु साहब इस बार से कथा सरल हो रही है और मुझे तो कुछ गंभीर कथा ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने कहा इसका अर्थ है कि आप ये चाहते हैं कि सब सो जाए तो आप ही सो ये हुआ। आप विचार करके देखें तो वो वस्तु जो है व्यक्ति के स्थिति की बात है का मानो संकेत यही है। और उस प्रसंग में भी श्री सीता जी के प्रसंग में भी यही बताने की चेष्टा की गई कि वो जागरूकता की वह जो स्थिति विश्वास की दो प्रकार की, एक अविश्वास होता है अज्ञान के कारण और एक अविश्वास होता है प्रेम के कारण। तो अज्ञान के कारण जो विश्वास की कमी होगी वो तो ऐसे व्यक्तियों में होती है तो आप नहीं प्रकट किया, पर प्रेम भी अधिक हो तो स्वाभाविक रूप से एक संशय उत्पन्न होता है। जब विभीषण सोचने लगे कि प्रभु राम को मार पाएंगे कि नहीं, तो सुधा जी ने यही कहा अधिक प्रीत मर बात संध्या, अगर विश्वास न होता तो विभीषण लंका छोड़ करके आते थे, लेकिन इस समय प्रभु के चरणों में प्रीति होने के बाद एक प्रकार का विश्वास अविश्वास संशय, पर यह संशय बड़ा कल्याणकारी। ये विश्वास की कमी कृपया ध्यान रखिए, विश्वास की कमी सुखदायी हो सकती और विश्वास की कमी के द्वारा सर्वनाश भी हो सकता है। तब भगवद गीता जी में कहा गया संशय आत्मा विनष्ट होती, जो संसार व्यक्ति है उसका विनाश हो जाता है। सज्जन ने किसी महात्मा से कहा भारत में तो समझ गया कि मेरा विनाश समझ होगा, जो बोले गीता में लिखा हुआ है कि संसार विनष्ट हो जाता है और मुझमें तो बड़ा संशय है। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारा विनाश नहीं होगा, जो बोले जब भगवान की वाणी पर तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम्हें अविश्वास ना। तो मानो संकेत ये है ये भक्ति के संदर्भ में जो अविश्वास कभी कभी दिखाई देता है, चाहे वो श्री भरत हो गरीब उस प्रकार का अविश्वास दिखाई देता है, जब वन में जा रहे हैं तो एक प्रकार का दृढ़ विश्वास लेकर तो नहीं जा रहे हैं, वहां भी लगा हुआ जब समझत रघुवीर सुभाऊ तब पथ पड़े खाई पाऊ और फिर अब मनो मां थोड़ी जगह धर्म पद धीरज धोरी। ये जो एक प्रकार की विश्वास की कमी से प्रतीत होती है प्रेम के परिणाम स्वरूप जिसको उत्पन्न होती है व्याकुलता, और ये व्याकुलता जो है वो भगवान की प्रीति की दिशा में और भी अधिक प्रेरित करती है आनंद देती है। ये आपको रामायण के सर्वत्र प्रसंगों में मिलेगा। तो श्री सीता जी की स्थिति भी अविश्वासमयी ही लग रही है, वो शरीर का त्याग करना चाहती है और सब कुछ विनष्ट हो गया है ऐसा उनको लगता है, पर विचित्र बात उसे अविश्वास कहें कि विश्वास कहें। जब मुदरी हाथ में आई तो उनके हृदय में जो बात आती है, क्या
कोई जीत हो सके अजय रोग लगे। हमारे प्रथम प्रभु को तो कोई जीत नहीं सकता।